कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर चीन पर भड़के ट्रंप, कहा अमेरिका इसे हल्के में नहीं लेने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर चीन पर हमला बोला है। गुरुवार को ट्रंप ने कहा कि खतरनाक वायरस चीन से ही आया है और अमेरिका इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। मिशिगन में अफ्रीकी अमेरिकी नेताओं के साथ एक सत्र में ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर यह कहा, यह चीन से आया है, हम इसे लेकर खुश नहीं हैं। हमने व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसकी स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि अचानक से हालात बिगड़ गए। हम इसे हल्के में नहीं लेने वाले। इन सब के बीच कोरोना वायरस का अमेरिका में कहर जारी है। गुरुवार तक अमेरिका में कोरोना वायरस से 94,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 16 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इसके पहले अमेरिका ने चीन पर कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़ी जानकारी चुराने का आरोप लगाया था। गुरुवार को अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन से जुड़े दस्तावेजों को चोरी होने से बचाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन प्रोटेक्शन एक्ट से परिचय कराया। इस संबंध में अमेरिकी अधिकारी सीनेटर हेड क्रूज ने कहा, हम चीन को अमेरिका की कोरोना वैक्सीन की रिसर्च और जानकारी नहीं चुराने देंगे। वहीं एक अन्य अधिकारी स्कॉट ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी वैश्विक महामारी के लिए जिम्मेदार है और उनके झूठ और भ्रामक जानकारी के कारण अमेरिकियों का जीवन बर्बाद हो गया है। हम कम्युनिस्ट चीन को कोरोना वायरस वैक्सीन से संबंधित किसी भी अमेरिकी रिसर्च को चोरी करने की अनुमति नहीं देते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में अब तक कोरोना संक्रमितों के कुल केस 16.1 लाख दर्ज किए गए हैं, जिसमें मौत का आंकड़ा 95,087 पहुँच गया है। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3.8 लाख है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।